हेलो। हाँ पागल आदमी, बोलो। सुबह से मैसेज करके मेरी मेमोरी फुल कर दी है, मालूम है 50 मैसेज किए हैं। अच्छा चलो, अब जल्दी से बताओ मुझे क्या हुआ है, कोई बैड न्यूज सुनानी है मुझे? नहीं तो तुम्हें ऐसे क्यों लगा? आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत बकवास और बुरा दिन था आज का। तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया इसलिए भी परेशान था थोड़ा। मैं ठीक हूँ, बहुत जबरदस्त हूँ। आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरा, और वैसे भी करीम तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एपिक, तुम ये याद रखा करो कि हीरो जो होता है दरअसल वो भी तो बहुत परेशानियां फेस करता है। अगर परेशानियां ना हो तो हीरो किस काम का, क्या करेगा वो जिंदगी के अंदर? कौन सी मूवी देखी है? बहुत ही अच्छा डायलॉग बोला है। अगर इतना ही हीरो बनने का शौक है तो चांद पे चले जाओ जैसे फिल्मों में होता है। वो तो सब फिक्शन की बातें होती हैं। हर परेशानी का हल जरूर होता है एपिक। मजाक कर रही थी मैं। अच्छा चलो, अपना ख्याल रखना तुम, ठीक है? हाँ एक बात और कहनी थी तुमसे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है अब भाग जाओ तुम, बाय। ओके बाय। वैसे एमिने आंटी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। हाँ। आपने तो कुछ पूछे बगैर ही उसे जाने की इजाजत दे दी, हैरान कर दिया। वरना तो कितने सवाल करती थी ना आंटी। मैं क्या बोलूं, हयात जो कुछ भी कर रही है ठीक कर रही है, और मैं वैसे भी किसी को परेशान नहीं करती। ये सही कहा। मेरी बेटी अपना काम बड़े दिल से करती है और उसकी ये मदद करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, मैं ये सब कुछ इसलिए करती थी हयात के साथ कि मुझे उसकी फिक्र रहती है, मगर मेरा ये हरगिज मतलब नहीं होता कि मैं उसे परेशान करूं। लेकिन उस दिन जो उसने मुझ पे गुस्सा किया, आज मैंने कुछ नहीं कहा और उसे जाने दिया। उस दिन तो ऐसा लग रहा था सबका दिमाग घूम गया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ना। बिल्कुल। और अभी हम पूरे पागल होने वाले हैं क्योंकि तुम्हारा भतीजा भी तो यहाँ आने वाला है। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? वैसे उसका नाम क्या है? इब्राहिम। इब्राहिम नाम है उसका। कौन है ये, कौन आ रहा है अब यहाँ पर? जो आ रहा है क्या वो पागल है? हाँ पागल है, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा दिमाग चलता है उसका, बिल्कुल थोड़ा सा। वैसे इलाज हो चुका है, फिक्र की बात नहीं। हाँ। सारे पागल एक ही छत के नीचे जमा होंगे। अच्छा एक बात बता, वो जो टेबल है उस पे तुम्हें किसकी कमी नजर आ रही है? टुअल, तुम जैसी एक्सपर्ट हो तो हमें सोचने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही कहा। सब टेक्सटाइल के लोग एक जगह इकट्ठे हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ वहाँ किसकी कमी है। The only टुअल यूनिकोलो की कमी है वहाँ पर। अलहांद्रो, जाओ जाकर पार्टी में थोड़ा घूमो फिरो ना। और हयात, तुम अपने पार्टनर के साथ ही रहना। चलो आओ मेरे साथ। आपकी बात कोई टाल सकता है भला टुअल मैडम? इंट्रोडक्शन दो मेरा। इनसे मिलिए सार्टे की बेस्ट डिजाइनर टुअल। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई टुअल मैडम। कैसी हैं? आपसे मिलकर और ठीक हो गई हूँ। हाँ, क्या आप इन खूबसूरत लेडी से हमें नहीं मिलवाएंगे दुरुक साहब? तो क्या सार्टे ने नई मॉडल रख ली है? ये मेरी असिस्टेंट है, कोई मॉडल नहीं है। ओके। हाँ लेकिन मेरा नाम तो है ना, मैं हैथ प्रैक्टिस हूँ। मिलकर खुशी हुई मुझे। वॉशरूम किस तरफ है चुआ मैडम? द्रुप, तुम चाला मैडम को वॉशरूम का रास्ता दिखा दोगे? इसमें कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल चलिए। बॉस के सामने मैं गीबत नहीं कर सकती। चले अब थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं।
क्यों नहीं? आज बहुत खुश लग रही हो तुम। दुखी होने की मुझे क्या जरूरत है? ये ड्रेस टूवल ने डिजाइन किया है। आप क्यों पूछ रहे हैं? कुछ बस ऐसे ही। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या कहा तुमने? इस सूट में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, और ये और भी अच्छा लगता आप पे अगर दीदम भी आपके साथ यहाँ होती इस पार्टी में। हयात तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ ऐसे ही बता रही थी। क्या आपकी असिस्टेंट के साथ डांस कर सकता हूं मैं? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इन्हीं से पूछ लीजिए। हयात प्रैक्टिस, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? जी क्यों नहीं। खैरियत तो है मीजान, मूड क्यों ऑफ है? क्या हुआ? मेरा तो दिमाग फटा जा रहा है निजात। शादी होने से पहले ये लड़की हमारे घर में क्या कर रही है? और दारिया को तो देखो जरा, उफ, उसके साथ ऐसे बातें कर रही है जैसे वो बहू बन चुकी है। मैंने उसे समझाया भी था, लेकिन वो तो बहुत ही बेशर्म है भाई। शाम से रात होने को आई, मगर ये जा ही नहीं रही। अदब और लिहाज तो है ही नहीं इसे। हमारी किस्मत फूटने वाली है निजात, अब अल्लाह ही बचाए हमें। मुराद से कोई गलती हुई है जिसकी ये सजा बन के आई है उसकी जिंदगी में। वैसे एक आपस की बात है अम्मी जान, मुझे भी ये लोग समझ में नहीं आए। हाय, इन लोगों के साथ जितना अच्छा सलूक करो इनकी समझ में कुछ नहीं आएगा। मुझे तो लगता है पागल हो जाएंगे हम लोग। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? हमारी मदद कर, निकाल हमें इससे। हाय, छोड़े परेशान ना हो, बैठिए। Love's an anlamar.